देखो भाई मैं ना ये बेवकूफ़ी करने खुद निकला हूँ, तो मुझे ना मज़ा आ रहा है। अगर जो सच में काम से जा रहे होंगे या ऑफिस से रिटर्न आ रहे होंगे घर को, उनके लिए कितनी परेशानी होगी, बस ये सोच के देखो। भाई साहब ये चेक करो भाई, ये पानी में चलने वाली बाइक है। सच बता रहा हूँ, अगर कोई सेडान कार उस वाले लेन में चलेगी ना तो बैंड बज जाएगा। मैंने एक क्विक डिसीजन लिया है, मेरा सच में मन कर रहा है भाई अपनी ज़ारा को सेल करके ना भाई एक दूसरी ज़ारा लाए, मतलब इसके जगह पे कोई दूसरी बाइक, क्योंकि ना बाइक को हमने अच्छी खासी चला रखी है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एंड आप लोग सोच रहे हो भाई दो तीन दिन से ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रही है, भाई उसके सबसे बड़े दो रीज़न है। पहला ये कि भाई मैं थानीपटना में आउट ऑफ टाउन था मैं, एंड दूसरा रीज़न ये कि भाई काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है पटना में, जमकर बारिश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा वाटर लॉगिंग भी हो चुका है। बट आज भी सुबह से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन अभी अपन लेके निकलने वाले ज़ारा को, एंड भाई देखो जहाँ पे बारिश हुई है ना भाई पूरा लॉगिंग हो रखा है, तो उस एरिया में नहीं जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं नहीं चाहता बाइक में भाई कुछ ऐसा परेशानी हो, कहीं बाइक पानी में बंद ना पड़ जाए। कोशिश करेंगे जहाँ पे पानी नहीं है जमी हुई वहाँ पर जाए और आराम से अपन ब्लॉग शूट करें। तो फिलहाल अभी ज़ारा को निकालेंगे। आज मैंने भाई पूरा चमका दिया, मतलब अपनी जो फ्लैश है उसको भी चमका दिया, गॉडज़िला को भी चमका दिया है, ज़ारा को भी चमका दिया। वैम बस थोड़ी गंदी है तो उसको भी हमने कवर कर रखा है, उसको भी जब राइड करना है उससे पहले चमका कर निकलेंगे। तो बाकी सारी बाइक अभी क्लीनअप हो रखी है। एंड आप लोग ये सोच रहे हो KTM RC की डिलीवरी कब लेंगे, देखो बाइक ना ऑलमोस्ट सारा कुछ डन हो चुका है, अभी मैंने कुछ ग्राफिक्स वगैरह सोचा है वो उस पर लगवाना है, वो हो जाएगा। उसके बाद दूसरा चीज़ ये रहेगा भाई, बारिश की वजह से ना मैं सोच रहा हूँ भाई वहाँ पे तो ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है। अभी क्या है ना कि नया नया पेंट हुआ है, नया नया उस पर भाई अभी मतलब कोटिंग वगैरह होगा, सब कुछ डिटेलिंग वगैरह होगा, तो तुरंत ऐसे बारिश में ना भाई पेंट पे इफेक्ट पड़ता है। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन के लिए रहने देते उसको वहीं पे, थोड़ा हील हो जाएगा ना। लेकिन आप लोग अगर कमेंट करोगे भाई तो उसकी डिलीवरी ले लेंगे, बाइक भले ही मैं वहीं पे रखूंगा बट डिलीवरी उसकी ले लेंगे। अगर आप लोगों को देखना है ब्लॉग तो कमेंट करके जरूर बताना, एंड भाई मिनिमम 500 कमेंट चाहिए इस ब्लॉग में, तब जाकर अपन KTM RC अनवील करेंगे। तो आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए, एंड सेम मैं इंस्टाग्राम पे भी ये पोस्ट करने वाला हूँ भाई इंस्टाग्राम की स्टोरी में। तो जो लोग मैं इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े गाइज गो एंड फॉलो मे अपन इंस्टाग्राम, StreetBurner15 इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। तो गाइज अब बिना लेट के यहाँ से निकलते हैं, एंड सीधा मिलते हैं आप लोगों से ऑन GoPro, एंड बाकी की बातें करेंगे सीधा ज़्यादा पे। तो भाई लोग लेके निकल चुके हैं अपन ज़ारा को, एंड भाई इसमें भी फ्यूल काफ़ी कम है तो पहले फ्यूल अप करा लेते हैं। सामने भाई क्या सुंदर लग रही है लेजेंडर, भाई मुझे ना फॉर्चुनर से मतलब 10 times बेटर दिखती है लेजेंडर भाई। एक तो इसका जो हेडलाइट है ना भाई उस पर मैं बिल्कुल फिदा हूँ, बाकी भाई आप सबको पता ज़्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं है, बट जो भी छोटे छोटे चेंजेस हैं ना उसकी वजह से भाई लेजेंडर का भाई बात ही कुछ और है। और ये देखो क्या हाल हुआ रोड का, अभी तो भाई शुरुआत है, अभी आपको ले चलते हैं और भी रास्ता दिखाएंगे। अंकल तो भाई एकदम बिना देखे रोड क्रॉस कर रहे हैं, आज ना फुल मतलब मूड से निकला हूँ बारिश में भाई। बारिश अगर हो भी गई ना तो भी राइड करेंगे अपन। अभी शाम के भाई कितने बज रहे हैं, मैं तो वॉच भी पहनना भूल गया, शायद इसमें क्लॉक सही हो तो पता चल जाएगा। 5:44 होप्स हो कि इसका टाइम सही हो, क्योंकि भाई बाइक मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ ना। अभी वेदर तो ऐसा लग रहा है बारिश होना ही होना, ऊपर एक बार चेक करो स्काई। पहले जल्दी से फ्यूल अप करा लेते हैं भाई, फ्यूल अप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बाइक में। ओ भाई ये क्या है, देखो जस्ट हैव अ लुक, जिमनी, वो भी भाई ये जो कलर है ना ये अलग ही मतलब आई कैची है। और यहाँ पे देखो ये बर्गर सिंह भी खुल रहा है, मतलब अभी तक पूरे पटना में ना बर्गर सिंह का कहीं भी आउटलेट नहीं था, तो बहुत जल्द ये भी खुलने वाला है अपने कंकड़बाग में। पहले जल्दी से पहुंच के फ्यूल अप कराते हैं। वैसे कभी कभी ना मेरा मन करता है भाई ज़ारा को हटा कर कोई एक एडवेंचर बाइक ले ले अपन, बट फिर मन ना अचानक से बोलता है नहीं यार रहने देते। 225 कर दो, फ्यूल अप हो गई, मैं चुप इसलिए हो गया था क्योंकि फ्यूल अप के टाइम में ना भाई अगर ध्यान नहीं दोगे ना भाई तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ। और ये तो अभी शुरुआत है वाटर लॉगिंग की, और भाई अपनी ज़ारा ना थोड़ी अच्छी लग रही है, पता नहीं क्यों, क्योंकि हो सकता है मैंने आज इसे भाई बहुत अच्छे से नहलाया है, मतलब अच्छे से साफ़ किया है। आज ना मतलब बारिश हो रही है और बारिश में मैं गाड़ियाँ साफ़ कर रहा था, ये सोचो, क्योंकि ना इतनी गंदी हुई पड़ी थी भाई, धूल धक्कड़ से मतलब कीचड़ी कीचड़ हो चुकी थी पूरी बाइक पे। इनफैक्ट इस पर ही नहीं, सिर्फ अपनी गॉडज़िला का भी वही हाल था, उसको भी मैंने पूरा क्लीनअप किया। एंड अभी भाई मैं ना अभी देखो एकदम फ्लॉप्स में हूँ, रीज़न क्या भाई बारिश, एंड दूसरा रीज़न ये भी है अगर बारिश हो गई ना तो मैं भीग के राइड करने वाला हूँ, मतलब मैं खुद ना प्रिपेयर्ड हूँ। अब ये बेवकूफ़ी तो करना नहीं कि मैं शूज़ पहन के निकलूँ और शूज़ को भिगाओ, क्योंकि ऐसे बारिश के मौसम में ना सूखते नहीं है भाई, बहुत पंगा हो जाएगा फिर। आज अपन ज़्यादा भगाएंगे नहीं बाइक को, लिमिट में ही रखेंगे, क्योंकि मैंने भाई फ्लॉप्स पहन रखा है, ये आपको मैंने क्लियर बता दिया भाई। मैं ना एज इट इज़ जो रियल है वही दिखाता हूँ, ऐसे नहीं भाई मैं मतलब फेक वाला चीज़ें, भाई जो है जैसा है वैसे ही मैं दिखाऊंगा। अभी तो बारिश 2 घंटे से रुकी हुई है तो ये हाल है, कुछ कुछ एरिया में तो ऐसा वाटर लॉगिंग हुआ ना भाई
मतलब समझ लो अगर आपकी सेडान अगर अपनी फ्लैश रहती है ना कहीं, वो तो समझ लो डूब जाएगी, ऐसा हाल हो जाएगा। अभी आई थिंक किसी का क्रॉसिंग होने वाला है उस राइट हैंड साइड वाले रोड से, पूरा रोड खाली है भाई, शाम के 6 बजने वाले हैं एंड इतना खाली रोड ये कभी भी नहीं होता है, तो उसका बस यही रीज़न है समवन इज़ गोइंग टू क्रॉस, कोई भी VVIP मोमेंट होने वाला है, वो अभी आपको दिख जाएगा थोड़ी देर में। भाई देख रहे हो एक बंदा नहीं दिख रहा, अभी आए सारे, सो इट मीन्स कि क्रॉसिंग शायद हो गई होगी। भाई इतना खाली रोड देख के ना मज़ा सा आ गया आज तो, काफ़ी दिन के बाद इतना खाली रोड मिला है। भाई अगर रोड ऐसे खाली रहे ना तो मुझे, मैं बोलूँगा भाई मानसून ही ज़्यादा बेटर है, खाली रोड तो रहेगा कम से कम। बट ना मानसून में सबसे ज़्यादा डर क्या होता है, बारिश के टाइम पे रोड ना बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है, उसके वजह से भाई क्रैश के चांसेस, बाइक स्किड करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो हमेशा थोड़ा सेफली राइड किया करो। ऐसा नहीं देखो, पता ये आपको रोड लग रहा है ना, ये सूखा रोड नहीं है भाई, ये देखो इसमें होता क्या ना, एक्चुअली जो रोड बने होते हैं ना इसमें पोर्स होते हैं, तो वो वाटर जो है ना उसमें अब्जॉर्ब हो जाती है, बट वो कंप्लीट नहीं सूखता है। आप हमेशा देखोगे ना बारिश होने के बाद तुरंत आपको रोड ना थोड़ी सूखी सूखी दिखती है, बट वो रोड एक्चुअल में सूखी हुई नहीं होती है, उस पर आपके बाइक स्लाइड कर सकते हैं, तो ये मत सोचना बारिश के बाद तुरंत अगर ये रोड अगर है तो ये सूखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस रोड के भी अभी पोर्स में पानी है, तो थोड़ा संभाल के राइड करना, ब्रेक वगैरह लोगे ना बाइक ज़्यादा स्किड करेगी, क्योंकि ये अभी रोड सूखी है नहीं। मैंने सुना भाई हज भवन की तरफ ना पूरा वाटर लॉगिंग हुआ पड़ा है, अगर बहुत ज़्यादा होगा तो अपन नहीं जाएंगे, और अगर नॉर्मल होगा ना भाई तो ज़रूर जाएंगे। आज कुरफाती करने का मन कर रहा है, इसीलिए मैं अकेले निकल पड़ा हूँ, और वेदर भी अभी अपने साथ है, बारिश हो गया तो भी अपने साथ ही रहेगा, क्योंकि आज मैं उसके लिए भी प्रिपेयर्ड हूँ प्रॉपर। भाई 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, उसके लिए तो पहले सॉरी बोलूँगा, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने भाई आपको बता रखा था कुछ काम में बिज़ी था जो भी चल रहा था अपना, उसके बाद भाई अभी ठीक है बैक टू बेसिक। अब बारिश की सीज़न है तो भाई बारिश में ना कोशिश करेंगे अपन डेली व्लॉग्स करने की, बट द थिंग इसकी अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गया तो भाई अपन तबीयत ख़राब नहीं करना चाहेंगे, कोशिश करेंगे जिस दिन बहुत एक्सट्रीम हो गया उस दिन रेस्ट ले लेने का, बट अब मतलब ऑल्टरनेटिव व्लॉग्स तो बिल्कुल आएंगे डेफिनेटली। एंड बाय द वे दिस मॉनसून आई एम प्लानिंग टू एक्सप्लोर सब प्लेसेस इन पुणे जाने का भी प्लान हो रहा है हमारा, तो भाई वहाँ पे बाइक वाइक का जुगाड़ करके वहाँ के भी कुछ प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे भाई, क्योंकि ना मेरा बहुत मन है, मैंने बहुत सुना है भाई मॉनसून मतलब पूरे महाराष्ट्र में ना मॉनसून काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब मॉनसून के बाद काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है, तो जिन लोगों को भी पता है कुछ ऐसे ऐसे व्यूज़ के बारे में जो कि क्लोज़ टू पुणे हो तो वहाँ पे भाई अपने को कमेंट करके बता दो, वैसे वैसे जगह पर अपन जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि थोड़ा ना अब घूमने का मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है भाई, पूरा कंप्लीट ब्लॉक है यार, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था थोड़ी देर पहले, उसका ही नतीजा है। मैं अभी सोच रहा था भाई कहीं ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा मस्त भगाएंगे आज थोड़ा बाइक को, खाली मिलेगा तो ओफ मैन क्रेजी, दैट्स अ 340i। भाई ये कब का मॉडल है ये तो नहीं पता, बट भाई पटना में भी 340i है, मुझे नहीं पता था, और ये भाई HB 5252, विच मीन्स कि ये कार तभी ली गई है जब अपनी वर्टस हमने ली थी उसी टाइम का इसका रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि हमारी भी HB सीरीज़ की है। तो मुझे ना जैसा न्यूज़ मिला था ना कि ये हज भवन वाला एरिया ना इधर बहुत अच्छा खासा वाटर लॉगिंग हुआ पड़ा है, देख के तो लग रहा है भाई क्योंकि ट्रैफिक हो चुका है इस जगह पे, जनरली ट्रैफिक होता नहीं है, अगर वाटर लॉगिंग होगा भाई तो मज़ा आएगा, मज़ा आने वाला है, और वाटर लॉगिंग हमें दिख चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से ज़्यादा आगे नहीं जाने का, फर्स्ट यूटर्न से यूटर्न ले लूँगा, क्योंकि भाई पानी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए लोग ना एक लेन छोड़ दिए, प्रॉपर एक लेन को भूल चुके, एकदम सबसे राइट वाले लेन पर चल रहे हैं, ये चक्कर हो भाई। ओहो मैन देखो भाई, मैं ना ये बेवकूफ़ी करने खुद निकला हूँ, तो मुझे ना मज़ा आ रहा है, अगर जो सच में काम से जा रहे होंगे या ऑफिस से रिटर्न आ रहे होंगे घर को, उनके लिए कितनी परेशानी होगी, बस ये सोच के देखो। आई थिंक इस वाले रोड में चले या नहीं चले, मैं ये सोच रहा हूँ, जा तो सकते हैं बट अगर पैर रख दिया हमने ना भाई तो पूरा गीला हो जाएगा पैर हमारा, क्योंकि वाटर लॉगिंग दोनों तरफ है। मैं ये बेवकूफ़ी करने का सोच तो रहा हूँ, चलो कर लेते हैं भाई, क्या होगा देखते हैं। भाई साहब ये चेक करो भाई, ये पानी में चलने वाली बाइक है, अपनी ज़ारा पानी में भी चल लेती है, ये चेक करो। अभी यहाँ पे तो थोड़ा ड्राई है बट आगे शायद है फिर से वाटर लॉगिंग, और मेरे को बस ये डर लग रहा है, अबे यार ये टेंशन है भाई, आगे वैसे कीचड़ और पीछे तो मड़ गाड़ के ऊपर नहीं आ रहा पानी, ये अच्छी बात है,
वरना होता क्या ना, अभी इसमें नीचे वाला जो मडगार्ड हगर है वो नहीं लगा पड़ा, सिर्फ मडगार्ड लगा है, तो हगर अगर नहीं है तो फिर उसके वजह से पानी ऊपर आ सकता है। भाई आप लोग के लिए ना भाई क्या क्या क्रेजी कंटेंट बनाने के लिए मैं निकल जाता हूँ भाई, बताओ। ऐसे पानी में बाइक चलाने का मन कर रहा है हमारा। ओह मैन, ये चेक करो भाई, ये भाई साहब क्या सही दिख रहा है भाई, वो स्कॉर्पियो वाला शॉट। आई एम गोइंग देयर ओनली। ओहो भाई ये देखो भाई। भाई ज़्यादा नहीं वरना पता चला भीग गए अपन, और मैं भीगना नहीं चाहता। गियर कम कर लेते हैं, थर्ड गियर पे लगा लेते हैं भाई साहब। अभी सच बता रहा हूँ, अगर कोई सेडान कार उस वाले लेन में चलेगी ना तो बैंड बच जाएगा। ऑलरेडी अपने बाइक से देखो कितना ज़्यादा पानी उड़ रहा है, सामने स्कॉर्पियो से देखो भाई। भाई यहाँ पर इतना वाटर लॉगिंग होने का क्या रीज़न है समझ में नहीं आ रहा, बट जनरली इतना मतलब कम देर के बारिश में, बारिश हुई है ऐसा नहीं है नहीं हुई है, बट इतना ज़्यादा नहीं होता है, ये तो हद पार हो गई भाई। तो भाई अभी मैंने ना यहाँ पे रुक के कुछ क्लिप्स निकाले फॉर इंस्टाग्राम रील, और यहाँ से ले लेते हैं अपन यू टर्न, क्योंकि आगे जाने का कोई मतलब नहीं बनता। भाई मैंने ना सोच रखा था आज कुछ भी हो जाए, बारिश ही क्यों ना हो, बारिश में निकल के व्लॉग शूट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 दिन का गैप हो गया और मैं ना भाई ये फ्लो तोड़ना नहीं चाहता। एक बार बारिश के चक्कर में अगर फ्लो टूटेगा ना तो सच में फ्लो टूट जाता है, क्योंकि अभी ना भाई मैंने जो सोच रखा है बहुत अच्छा सोच रखा है भाई। मानसून के टाइम में ना अगर ऐसे अपन अलग अलग जगह जाकर एक्सप्लोर करें जहाँ पर सच में मानसून बहुत ही अच्छा होता है, मतलब उसके बाद ना भाई वहाँ का जो व्यू है, वहाँ का जो क्लिप्स है, वहाँ के जो डेस्टिनेशन है वो सब आपको चेकआउट कराएंगे भाई। ये देखो, ये चेक करो भाई, सबका ना बैंड बजा पड़ा है भाई, वो देखो वो बच्चा कितना खुश है। तो काफ़ी मज़ा आता है, देखो बारिश किसी के लिए बहुत अच्छा है, किसी के लिए बहुत ख़राब है, बट इस बार की जो बारिश हुई ना मतलब सबके लिए अच्छा है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी भाई, लोग ना गर्मी से मर रहे थे लिटरली। इसकी वजह से ना भाई मैं भी बहुत खुश हूँ, वैसे मुझे भी बारिश उतना ज़्यादा नहीं पसंद है, क्योंकि बीइंग अ बाइकर आप सबको पता है बारिश में आप ना राइड कर सकते हो सही से, ना व्लॉग शूट करते हो सही से, तो बहुत दिक्कत होती है, बट कोई नहीं, ये चीज़ अब हमेशा याद रखना, राइड करना एंड ऑल ये सब जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ है, बट सबसे मेन चीज़ ये है कि जो भाई नेचुरली जो चीज़ें होती है भाई वो होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो बारिश नहीं होती तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, देखिए प्रॉब्लम आ चुकी थी ऑलरेडी, बट अब जाकर बारिश आ गई तो भाई सब कुछ धीरे 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 ठीक होगा। एंड मैं भाई कोशिश करूँगा कि किसी को ना ये पानी पड़े नहीं मेरी बाइक की वजह से, मेरी मस्ती करने की वजह से, तो थोड़ा स्लो डाउन ही होकर चलेंगे भाई। कुछ कुछ एरिया में तो इतनी ज़्यादा पानी लगी पड़ी है ना, मतलब बाइक नहीं चल पाएगी वहाँ पे, इतनी ज़्यादा पानी लगी पड़ी है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर एक दिन प्रॉपर बारिश होने में ये हाल हुई है, अगर लगातार 2-3 दिन बारिश होगी तो भाई फिर से वही होने वाला है जो 2020 में हुआ था, आधा पटना ना डूब चुका था भाई, मतलब लिटरली डूब चुका था। अगर आप भाई जो भी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें ज़रूर पता होगा, मैंने उस टाइम भी ब्लॉग किया था, तो उस टाइम पर जो हाल था पूरे पटना का ना वैसा हाल हो सकता है, क्योंकि जब एक दिन के बारिश का ये हाल है तो भाई समझ लो 3-4 दिन अगर लगातार हो गई कंटिन्यूसली। अभी क्या ना लोग तुरंत इसको क्लीन कर लेंगे, तुरंत साफ़ करने की कोशिश करेंगे तो पानी निकल जाएगी, कहीं कहीं पे नाली वगैरह गंदा होगा कचड़ा होगा तो वो निकल जाएगा, बट इन फ्यूचर अपकमिंग डेज में बता रहा हूँ अगर तगड़ी बारिश हो गई ना तो बैंड बच जाना इनका। भाई लोग बहुत मुश्किल से ना बच बचाकर भाई, ये देखो ये भाई फुल चार्ज है अंकल, बहुत मुश्किल से ना बच बचा कर निकले भाई ट्रैफिक से। एंड भाई अभी ना मैंने एक क्विक डिसीजन लिया है, मेरा सच में मन कर रहा है भाई अपनी ज़ारा को सेल करके ना भाई एक दूसरी ज़ारा लाए, मतलब इसके जगह पे कोई दूसरी बाइक, क्योंकि ना बाइक को हमने अच्छी खासी चला रखी है, और भाई मेरा ना एक टाइम पे जाकर ना मेरे को मन कर रहा है भाई। देखो अभी ना क्या है, बाइक बहुत अच्छी कंडीशन में, तो मैं किसी को भी सेल आउट करूँगा ना तो अच्छा रीजनेबल प्राइसेस बाइक का मिल जाएगा। अभी मैं सोच रहा हूँ, अगर आप लोग कमेंट में बोलोगे तभी ये चीज़ करने वाला हूँ, अगर आप लोग भी भाई एग्री करोगे तभी, वरना भाई मैं रख कर इसको ना मतलब रख लूँगा जैसे रहेगी अपनी बाइक, बाद में आएगी दूसरी बाइक, लेकिन जब तक आप लोग नहीं बोलोगे ना कि भाई इसको सेल करके दूसरी, देखो एक सिंपल सा रूल है भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो भाई हमें भी अगर दूसरी बाइक लेनी है, क्योंकि देखो सबसे बड़ा रीज़न है भाई मेरे पास ना गैराज में जगह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है,
ऑलरेडी चार बाइक्स और एक कार है अपनी, तो भाई इससे ज़्यादा भाई मैं ना मतलब अपने घर पे रख नहीं सकता, दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है थोड़ा। तो भाई वही सोच रहा हूँ मैं, एक जाएगी जाएगी तो कौन सी जाएगी ये सोच रहा हूँ। देखो वैम तो जाएगी नहीं कभी नहीं, दूसरी चीज़ है गॉडज़िला को अभी जाना नहीं है, गॉडज़िला में अभी टाइम है। एंड तीसरी चीज़ है KTM को अभी हमने जस्ट तुरंत मॉड कराया, तो मैं नहीं चाहता कि भाई तुरंत मॉड करा के उसे सेल आउट करना, तो बची अपनी ज़ारा। तो अगर हमें भाई कोई नया मशीन लेना है, नया बाइक ख़रीदना होगा, तो उसके लिए हमें इस ज़ारा को भाई बाय बाय बोलना पड़ेगा। तो अगर आप लोग चाहते हो भाई अगर ऐसा मैं करूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर नहीं चाहते हो तो वो भी कमेंट करना, वरना होगा क्या ना मैं क्विक डिसीजन जो मैंने लिया ना वो भाई गलत हो जाएगा, और आप लोग के भाई बहुत इमोशंस हो रहे हैं इस बाइक से, इनफैक्ट मेरे भी बहुत इमोशंस हो रहे हैं भाई। मैंने इस बाइक पे दार्जिलिंग राइड किया, गैंगटॉक राइड किया, साथ ही साथ और भी भाई मतलब सिटी में भाई मैंने इस बाइक को जितना फन टू राइड मशीन समझ के चलाया ना, उतना शायद ही मैं किसी और बाइक को चलाऊँ, क्योंकि इतनी छोटी सी कॉम्पैक्ट सी बाइक है और अभी भी भाई इतनी सुंदर सी मशीन बना के हमने रखा है इसे। तो देखते हैं क्या होगा अपकमिंग डेज में, वो तो नहीं पता, बट समथिंग इज़ गोइंग टू एडिड इन गैराज वेरी सून। तो उसके लिए भाई कुछ ना कुछ तो जाना ही पड़ेगा, अब देखो क्या जाएगा ये नहीं पता। मिलते गाइस फिर कैसे वीडियो के साथ, अगर आप वीडियो चले तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल पर। अंटिल देन बाय बाय गाइस, राइड सेफ एंड राइड हार्ड।